हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत से लोगों का सपना होता है कि केदारनाथ जाकर भोले बाबा के दर्शन प्राप्त करें, लेकिन उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं केदारनाथ को लेकर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाली हूं, जिससे आप जब भी केदारनाथ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद कौन सी जगह पर आपको रुकना चाहिए और इन जगह पर आपको किन प्राइसेस में रूम, डोरमेट्री या टेंट मिल जाएगा। फिर दोस्तों, हम बात करेंगे कि यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है और केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो अपना बैग कैसे पैक करें, साथ क्या क्या लेकर जाएं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि इस प्यारी सी यात्रा में आपका कितना बजट लग सकता है, कितने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो बिना स्किप किए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो केदारनाथ जाने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए हरिद्वार। अब हरिद्वार आपके पहुंचने का जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह 4 या 5 बजे, ज्यादा से ज्यादा आप 8 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएं सुबह। उससे क्या होगा कि आपको उसी दिन सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक डायरेक्ट बस मिल जाएगी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि हमें डे 1 पहुंचना है सोनप्रयाग। जो बसें चलती है वो आपको रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने बस स्टैंड बना हुआ है वहां पर आपको मिल जाएंगी। जो प्राइवेट बसें हैं उनका किराया लगभग 1000 रुपए है और जो गवर्नमेंट की बसें हैं उनका किराया लगभग 400 से लेकर 600 के बीच में है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्ट बसें हैं वो आपको 4 बजे से लेकर 9:30 या 10 बजे तक ही मिलेंगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको शेयरिंग टैक्सी हो गई, टेम्पो ट्रेवलर्स हो गए, इनमें आपका प्राइस थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लगभग 1000 से लेकर 1200 पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। ये तो हो गए आपके डायरेक्ट ऑप्शन। अब आपका सफर स्टार्ट होता है हरिद्वार से। आप हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप हरिद्वार से करो, क्योंकि हरिद्वार से ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो हरिद्वार से आप पहुंचाइए सोनप्रयाग। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी तरीके को बताया है, आपके लिए जो भी ऑप्शन सबसे अच्छा रहता है आप उस हिसाब से सोनप्रयाग आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि केदारनाथ में आपके रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर रहेगी और वहाँ आपको रूम के लिए कितना खर्च आने वाला है। तो शाम को आप लगभग 6 से 7 बजे तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग, तो आप स्टे सोनप्रयाग कर सकते हो। सोनप्रयाग वो जगह है जहाँ तक कोई भी पब्लिक या प्राइवेट गाड़ी वहाँ तक जाती है, उससे आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाता है। आगे सिर्फ गौरीकुंड तक के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी चलती है जो कि 5 किलोमीटर की है। तो आप सोनप्रयाग स्टे कर सकते हो, जहाँ पर आपको डोरमेट्री 300 से 400 रुपए में मिल जाएगी। अगर आप GMVN की डोरमेट्री में रुकना चाहते हो तो उसके प्राइसेस 700 तक रहते हैं और सोनप्रयाग में होटल्स के रूम के जो प्राइसेस है वो लगभग 1000 पर डबल बेड रहता है। सोनप्रयाग के अलावा जो स्टे के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं, जो आपको 50 रुपए में गौरीकुंड छोड़ देंगे। अब हम गौरीकुंड में स्टे ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ आपको रूम के साथ डोरमेट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं अब आपको 2 ऐसे अच्छे होटल्स गौरीकुंड में बताने वाली हूँ विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ पर जाकर आप रुक सकते हैं। सबसे पहले है दीपक लॉज। दीपक लॉज में जो आपको रूम के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे वो है डबल बेडरूम के 2000, 3 बेड के 3000 और एक्सेट्रा। तो मेनली आपको पर पर्सन 1000 पड़ जाएगा। आपको खाने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको खाना भी मिल जाएगा। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप इन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि रूम के प्राइसेस क्या है। दूसरे नंबर पर है विजय टूरिस्ट लॉज। यहाँ पर आपको 8 बेड की डॉर्मेट्री मिल जाएगी, जिसका प्राइस 700 पर पर्सन रहता है और रूम्स का जो प्राइस है वो 1000 से 1200 डबल बेडरूम रहता है। बाकी आप इन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये था कि आप सोनप्रयाग का गौरीकुंड में कहाँ रुक सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर भी नहीं रुकना है और आपको चाहिए कि आप मंदिर से बिल्कुल पास में रुकना चाहते हैं, तो मंदिर के पास आप टेंट में, डोरमेट्री में या रूम्स में रुक सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ आपको GMVN के 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस, नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप्स और तीसरा है केदार डोम कॉटेजेस। स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस के प्राइस कुछ इस प्रकार रहते हैं, फैमिली सूट जिसमें आप 4 पर्सन रुक सकते हैं उसका प्राइस 7700 पर सूट रहता है और डोरमेट्री का 1400 पर बेड रहता है। ये मंदिर के बिल्कुल पास में रहता है। अब हम नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप की बात करें तो ये मंदिर से कुछ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप में होता है, जिसमें आपको डोरमेट्री और टेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें डोर
डोरमेट्री का प्राइस 800 पर पर्सन और ग्राउंड वेडेड टेंट में ये बड़े से टेंट में 4-5 गद्दे लगा देते हैं तो उसका प्राइस 500 पर पर्सन रहता है। अब थर्ड GMVN ऑप्शन की बात करी जाए तो वो है केदार डोम कॉटेजेस। ये हेलीपैड से बिल्कुल पास में है, यहाँ पर आपको डोरमेट्री में ये 600 या 700 पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगर आप GNVM में कुछ भी बुक कराते हैं तो ये है उनकी वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक दे दूंगी, आप पहले से ही प्री बुक करा दें, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाकर बुक कराएंगे तो चांसेस कम है कि खाली रहेगा, तो आप एडवांस में बुक करा लीजिए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मंदिर के पास में GMVN में रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब मैं आपको मंदिर के पास दो ऐसे प्राइवेट होटल्स बताऊंगी जिसमें भी अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। पहला है बीकानेर हाउस, यहाँ पर आपको डबल बेड 3 बेडरूम देखने को मिल जाएगा, ये पर पर्सन 2000 चार्ज करते हैं। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट डिटेल, आप इन्हें कॉल करके भी प्राइसेस के बारे में पूछ सकते हैं। और दूसरा है पंजाब सिंध, ये भी लगभग 2000 से 2500 पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगर आप चाहें तो नॉर्मल टेंट में भी रुक सकते हैं जो मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप में होते हैं, वहाँ पर आपको इजीली टेंट मिल जाएगा जिसमें आप 2 पर्सन इजीली रुक सकते हैं और ये पूरा टेंट आपको 500 में पड़ जाएगा। तो ये था कि अगर हम केदारनाथ जा रहे हैं तो हम कौन सी जगह पर रुक सकते हैं। अब हम बात करें पूरे रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो पूरे रास्ते में आपको मैगी, पराठा, चाय, नींबू पानी, कॉफी देखने को मिल जाएगी और इनके प्राइसेस लगभग इसके बीच ही रहते हैं। अगर आप मैगी पराठा नहीं खाना चाहते तो वहाँ पर आपको 150 रुपए में बहुत ही स्वादिष्ट थाली का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और एक चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पानी की बॉटल ना खरीदें, आपको पूरे रास्ते में इतने सारे झरने देखने को मिल जाएंगे जिसका पानी आप अपनी बॉटल में भर के आराम से पी सकते हैं और ये बहुत ही स्वच्छ पानी होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा में साथ क्या क्या लेकर जाएं। सबसे पहले विंटर के कपड़े, क्योंकि केदारनाथ यात्रा आप किसी भी टाइम पर कर रहे हो तो ऊपर आपको हमेशा ही ठंड मिलेगी, तो विंटर के कपड़े तो हमेशा आप अपने साथ रखिए जिसमें आपका एक अच्छा सा जैकेट होना चाहिए, वूलन ग्लव्स, वूलन कैप, थर्मल का सेट। बाकी आप अपने साथ एक टॉर्च, पावर बैंक, कपूर और वाटरप्रूफ शूज, रेनकोट भी होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। बाकी आप अपने साथ मेडिसिन जरूर रखिएगा, फीवर, हेडेक, पेट दर्द की दवाइयाँ और एक मूव का स्प्रे हमेशा अपने साथ रखिएगा। बाकी मैं लिस्ट आपको यहाँ पर दे रही हूँ, तो आप ये सामान अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। अब दोस्तों आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं बजट की, इस प्यारी सी यात्रा में आपका कितना बजट लगेगा। तो ये पूरा सफर आपका 5000 रुपए में हो जाएगा जिसमें गवर्नमेंट बस से हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का किराया 600 रुपए और फिर से सोनप्रयाग से हरिद्वार तक का 600 रुपए, तो ट्रांसपोर्टेशन टोटल आपका 1200 रुपए में हो जाएगा। और गौरीकुंड में आपका स्टे 1500 रुपए में हो जाएगा, तो वहाँ आपका 2 दिन का स्टे रहेगा, एक तो जिस दिन आप जाएंगे और एक जिस दिन आप वापस आएंगे, तो 1500 वो हो गया। और केदारनाथ मंदिर के पास में रुकना है तो वहाँ पर आपको टेंट सस्ता मिलेगा, लगभग 700 से 800 तक टेंट मिल जाएगा। फूड की बात करें तो पर डे 400 से 500 में आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन का सफर है तो टोटल 2000 खाने का खर्चा आएगा, तो आप 5000 रुपए में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी केदारनाथ की यात्रा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको केदारनाथ यात्रा में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा सफल, सुंदर और मंगलमय हो। हर हर महादेव।